आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक लोड शेडिंग सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप कंपोनेंट मोड पे आके कंपोनेंट उठा लें। यहाँ से मैं आर्डिनो ऑन उठाता हूँ, डबल क्लिक करें, यहाँ पर आ गई, ठीक है। एलसीडी उठाएं, आप कोई भी पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से 20x4 की एलसीडी उठाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अल्टरनेटर उठाएं, एसी पावर सप्लाई है, ठीक है। डबल क्लिक करें, आपके पास ऐड हो जाएगा कंपोनेंट डिवाइसेस में। उसके बाद आप रिले उठाएं, डबल क्लिक करें। उसके बाद आप लैंप उठाएं, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये आपके पास आ गई है। अब सबसे पहले सर्किट बनाने, यहाँ पर अर्डिनो रख लें, उसके बाद एलसीडी उठाएं और उसको रख दें, ठीक है। मैंने रख दिया। उसके बाद आप सबसे पहले इसकी कनेक्शन कर दें, ठीक है। आप इसकी कनेक्शन मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इसी तरह आप देखते देख जाओ और इसको कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया और इसको पावर भी दे दें, ठीक है। इसको मैं ग्राउंड करता हूँ, अर्डिनो को भी, और इसको भी मैं ग्राउंड करता हूँ, ठीक है। इसी तरह पावर भी अर्डिनो को भी दे दें और एलसीडी को भी दे दें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करें, रिले उठाएं यहाँ से और उसको यहाँ पर रख दें, ठीक है। और इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको 12 वोल्ट की बजाय 5 वोल्ट कर दें, क्योंकि अर्डिनो जब 5 वोल्ट तक ही मैक्सिमम एक पिन पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने 5 वोल्ट रिले को ही कंट्रोल करना है। अब इसको आपने ग्राउंड करना है, रिले का एक टर्मिनल जो है वो आपने ग्राउंड करना है लाजमी, कॉयल का, और दूसरा जो है वो फिर अर्डिनो के साथ कनेक्ट होगा। और इसको अर्डिनो से कनेक्ट करने पहले आप यहाँ पर लैंप भी लगानी है इसके साथ। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, और अब आपने क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है और चार जगहों पे इसको रख लें, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कि चार जगहों पे हम क्यों रख रहे हैं। हम चार लाइन ही जो है ना, या फीडर जो है वो लगाएंगे और इसको जो है ना, ये लोड शेडिंग की मदद से इसको सेट करेंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, बीच में ले आता हूँ, उस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर अल्टरनेटर आप उठाएंगे, उसको आप यहाँ पर रखेंगे। ये आपका मेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन होगा, जो तमाम फीडर को या लाइंस को ये सप्लाई देगा और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब आप यूँ करें कि इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें और इन तमाम को आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये आपका मेन, ये आपकी मेन पावर सप्लाई है। मैं इसको 220 वोल्ट करता हूँ, आप कितनी भी रख सकते हैं। इसको मैं अगर यहाँ पर एसी लिख दूँ तो आपको पता चलेगा एसी मेन है, ठीक है, मेन एसी पावर सप्लाई है। क्या होगा, हमने करना ये है कि ये मेन आपके पास ग्रिड में या ट्रांसमिशन लाइन है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो इन चार लाइन्स पे या फीडर्स पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब लोड शेडिंग किस तरह करनी है आपने, ये हमने बतानी है कि भाई इस फीडर पे कितनी है, उस फीडर पे कितनी है, इस पे कितनी है और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो होगा ये कि इनको मैं यहाँ पर पहले कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी पिन कनेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही करने, लेकिन फिर आपने ये ख्याल रखना है कि कोडिंग में उनको आपने मेंशन कर देने ज़रूर, ठीक है। जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा इसमें आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इधर उधर आपको नज़र आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें जूम करके अच्छी तरह दिखा सकूँ, ठीक है। ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया है। और अब करना हमने ये है कि यानी कि ये मेन पावर सप्लाई है और ये चार फीडर हैं उससे और या लाइंस है, तो इन पे कितनी कितनी लोड शेडिंग करनी है, कैसे करनी है, वो हमने बताने हैं, ठीक है। तो मैंने कोड लिख दिया ताकि टाइम की बचत रहे। यहाँ पर आप एलसीडी की पिन देख रहे हैं, एलसीडी की लाइब्रेरी कोड है। यहाँ पर जो मैंने लाइंस कनेक्ट किए हैं, यहाँ 1 2 3 4 7 से लेकर 4 तक पिन हैं और उनको कनेक्ट है। ये सारे हम इस आउटपुट यूज़ करेंगे और ये एलसीडी आप मैंने बता दिया कि जी बी 20x4 की है। कोई मैसेज आप मैंने डिस्प्ले किया एलसीडी पे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कम्बिनेशन बनाई है कि जी पहले ऑन होगा ये वाला, फिर ये
लो एक फीडर ऑन होगा, पहला दूसरा ऑफ होगा, तीसरा ऑन होगा और चौथा ऑफ होगा। इस तरह मैंने एक पैटर्न दिया है, उसके वो 4 सेकेंड तक डी 4000 मिली सेकेंड डिले यानी 4 सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद पैटर्न चेंज होगा और अलग अलग पैटर्न मैंने दिया, आप देख सकते हैं कोड में मैंने डिटेल से, दूसरे नंबर पे एक अलग पैटर्न है, फिर ये अलग पैटर्न है, फिर ये अलग है और फिर ये अलग है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आप अपनी मर्जी से यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी रोटेटिंग के हवाले से, इसको मैं कोड पुट कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, और अगर यहाँ पर आपके पास कोई और है इसमें कोई वैल्यू है तो इसको डिलीट करें और इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे चैनल का नाम आ रहा है, उसके बाद इसका टाइटल आ रहा है ऑटोमेटिक लोड शेडिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पास किया, ठीक है। लाइन वन जो है वो ऑन है, लाइन थ्री ऑन है, लाइन फोर और टू जो है वो ऑफ है। आप देख सकते हैं ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है, ठीक है। ये 4 सेकेंड तक ऑन रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही चेंज होगा आप देख सकते हैं फिर कुछ और होगा, ठीक है। अब ये दो ऑन हो गए, आप देख सकते हैं ये दो ऑफ रहे और ये दो ऑन हो गए, 2 4 ऑन रह गए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम के तमाम ऑन हो गए, यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं तमाम के तमाम जो है वो ऑन है, ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो उसका स्टेप आएगा आप देख सकते हैं, अब आप इसको देख लें, ये दो ऑन हो गए, ये दो ऑफ हो गए, यानी देखें 3 और 4 जो है वो ऑफ है, 1 और 2 ऑन है। इसको मैं दोबारा पास से ख़त्म करता हूँ, प्ले करता हूँ, देख सकते हैं आप ये, अब इसके बाद ये दो ऑन हो गए और आप यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दो ऑन हो गए और ये दो ऑफ हो गए, और ये मुसलसल अब ये रिपीट होता जाएगा। यानी आपने जो पैटर्न दिया है कि जी कितने घंटे बाद इस पे होनी चाहिए, कितने घंटे बाद ये ऑन होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने सिंपल आकर यहाँ पर कोडिंग में बता देनी है, जिस तरह मैंने बताई है कि जी ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, कितने टाइम के लिए, 4 सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर मैंने दिया कि ये ऑफ रहे, फिर ये ऑन हो जाए, फिर ये ऑफ रहे, ये ऑन हो जाए, ये भी 4 सेकेंड तक, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी लोड शेडिंग का शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी कि इसका जो सर्किट डायग्राम है और जो मैंने कोड लिखा है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ।